हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में हम लोग एम असिस्टेंट प्रोफेसर जुलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं इसके पहले मैंने पांच वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन है आज का पहला द एनिमल ऑफ विच फाइलम्स आर एक्सक्लूसिवली मिलाइन तो प्राणियों के किस संघ के जीव सिर्फ समुद्री जल में मिलते हैं तो इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स केवल पानी में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज असेंशियल फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या एसेंशियल है तो कैल्शियम असेंशियल होता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडिक सेल्स लीडिक सेल्स का कार्य है तो लीडिक सेल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एंजाइम इज यूज टू ज्वाइन फ्रेगमेंट्स ऑफ डी एन ए तो डी एन ए के फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम है लाइगेस नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स विच आर फाउंड इन एम्फीवियन ऊसाइट तो लैम्प ब्रश क्रोमोजोम एक विशेष प्रकार का क्रोमोजोम है जो कि एम्फीबियन के ऊसाइट्स में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज इन है, इन हीबिटिंग इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन इज नोन एज एलोपैट्रिक तो विभिन्न जियोग्राफिकल रीजन में रहने वाली जो जाती है उसको एलोपैट्रिक कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज लिविंग फॉजिल तो लीम को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग ऑफ हैन इज हैन का एग कैसा होता है तो मैक्रोलेसिथल होता है मैक्रो होता है न का एग नेक्स्ट क्वेश्चन है इमसिफिकेशन ऑफ फैट बाइल जूस ऑकरम नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स बिकॉज इट इज रिसेसिव एक्स लिंक्ड तो हीमोफीलिया महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होता है क्योंकि यह एक रिसेसिव एक्स लिंक्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था तो हेकल। तो हेकल द्वारा प्रोटिस्टा शब्द दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ विच हार्मोन इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग स्टेट ऑफ फियर तो फियर के समय कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है तो एड्रानी एड्रानिलीन एड्रलिन ये हार्मोन फियर के समय रिलीज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस तो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब्स में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल और मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तो सबसे अच्छा मेथड है पेस्ट कंट्रोल का इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर ऑफ सिस्टम आ नेचर तो लीनियस है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड ग्रुप इन मैन वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय लैंड स्टेनर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरिक नेम ऑफ पोर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर इज फाइसेलिया तो फाइसेलिया का वैज्ञानिक नाम है पुर्तगाली सैनिक नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ हनी बीन्स विच साइंटिस्ट वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज कार्ल वॉन फ्रिज मधुमक्खियों की भाषा का अध्ययन करने एवं समझने के लिए कार्लवान फ्रिस को नोबल पुरस्कार दिया गया था वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है तो 22 मई नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय जॉर्ज कोहलर एंड सी मिल्स्टीन हाइब्रिडोमा टेक्निक को जॉर्ज कोहलर एंड सी मिल्स्टीन ने विकसित किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन रिमेन्स एट माइनस नाइंटी माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये नाइट्रोजन साइकिल पर था लेकिन ये क्वेश्चन को एम ने डिलीट कर दिया था तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिंडल फाइबर्स ऑफ ए माइटोटिक सेल स्पिंडल फाइबर्स ऑफ ए माइटोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ टीवुलन तो इस माइटोटिक स्पिंडल फाइबर ऑफ ए माइटोटिक सेल में ट्यूबुलिन के बने होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एग्ज़ाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैनिबलिज़्म कैनीबेलिज़्म नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्रेश वाटर हैबिटाट द ऑर्गेनिज्म फाउंड एट बॉटम्स आर कॉल्ड तो बैंथोस तो फ्रेश वाटर हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म जो कि तली पर पाए जाते हैं उनको बैंथोस कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन एरिया किसके लिए फेमस है तो सुंदरबन एरिया रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम पेनेट्रेशन सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन यूरिया का संश्लेषण लीवर में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लडर इज कोलसिस्टोकाइनिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी सी के बोला जाता है तो सी सी के हारमोन रिस्पॉन्सिबल होता है गाल ब्लडर के कॉन्ट्रैक्शन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्ब जेली बिलोंग कॉम्ब जेली का संबंध है टीनोफोरा तो टीनोफोरा का मेंबर है कॉम्ब जेली अगला क्वेश्चन है बोनेलिया बिलोंग्स टू बोनेलिया किस फाइलम से बिलोंग करता है तो एने लीडा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन डीकापोडिया ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं तो डीकापोडिया में पाई जाती है अगला क्वेश्चन लोगो तो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड फेडरेशन वर्ल्ड वाइड फेडरेशन का लोगो है पांडा अगला क्वेश्चन है वन जीन वन इंजाइम वन जीन वन इंजाइम रिलेशनशिप वॉज इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूरोस्पोरा क्रासा न्यूरोस्पोरा केरसा में एक जीन एक इंजाइम संबंध स्थापित किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल है सेचुरेटेड फैटी एसिड का स्टीरिक एसिड तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है स्टीरिक एसिड तो ये आज के क्वेश्चन थे कुछ तो क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल है आप इन क्वेश्चन को एक बार देखें इनको पढ़ें और इनको समझें इन क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि एम पी पी एस सी किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है और आपको किस प्रकार क्वेश्चन को पढ़ना है तो मिलते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि जल्द ही अपलोड होगा तब तक के लिए धन्यवाद